अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल महविश विकास। और मैं आपकी होस्ट महविश। तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं रमज़ान स्पेशल में आपके लिए चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके बिना इफ्तारी मुकम्मल नहीं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो चना चाट बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, प्याज, उबले हुए आलू, टमाटर, उबले हुए चने, हरा धनिया, दही की चटनी, सब्ज मिर्च और मसाले। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें 2 कप उबले हुए चने डाल लेंगे, जो कि मैं पहले से ही बॉईल करके रखे थे। फिर 2 उबले हुए आलू बारीक काट कर डाल लेंगे, ये भी मैं पहले से ही बॉईल करके रखे थे। 1 अदद प्याज चॉप की हुई, 1 अदद टमाटर चॉप की हुई, 1/3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 से 2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम पिसा हुआ मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका। फिर इन सब चीजों को चम्मच के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें हमारी पहले से तैयार शुदा दही की चटनी डाल लेंगे और कुछ बचा लेंगे। चटनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो चटनी हमने बचाई थी, वो इसके ऊपर डालकर थोड़ा सा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। बस आपकी सिंपल, मज़ेदार और चटपटी चना चाट तैयार। घर पर बनाएं और इंजॉय करें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।